तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। नमस्कार, दरभंगा समाचार में आपका स्वागत है। 22 मार्च सन 2020 इस दिन को इतिहास में भी कभी भूला नहीं जाएगा। अचानक पूरे देश को लॉकडाउन कर देना, आदमियों को संभलने का मौका भी नहीं मिला। इसी दौर में अंजुमन बासिंदगान बिहार मुंबई के टीम ने जो काम किया वो काबिले तारीफ थी। जो लोग मुंबई में फंस गए उनको घर तक पहुंचाना, जिनके पास खाने का सामान तक नहीं था, घर के जाने के लिए पैसे नहीं थे, उन्हें खाने का सामान पहुंचा। यहाँ तक कि जो ट्रेनें, आपको खास तक बता दे कि जो पहली ट्रेन चली थी मई को, जो पहली ट्रेन चली थी नागपाड़ा से दरभंगा के लिए, इन्हीं लोगों ने उन्हें ट्रेनों में टिकट की व्यवस्था की और खाने की भी व्यवस्था की। आज यहाँ हम दूसरी तरफ से देखें, अपोजिट साइड से, जो लोग यहाँ पे आए इस लॉकडाउन में, उन्हें रोज़गार नहीं मिला, उनके घर का जो कहते चूल्हा नहीं जल रहा था, वो वापस अपने काम की तलाश में मुंबई गए। लेकिन जब वहाँ पहुँचे तो हालात भी दूसरे तरीके से कि सारे कल कारखाने बंद थे, कम मजदूरों के साथ काम किया जा रहा था। फिर से अंजुमन बासिंदगानी बिहार ने दोबारा से जो काम किया वो काबिले तारीफ तो थी, इंसानियत के लिए भी बहुत बड़ा काम था। उन्होंने फिर से उन्हें खाने का सामान और पैसे की मदद की कि जब तक ये कल कारखाने शुरू न हो जाए, और उन्होंने कहा कि इंशाअल्लाह ज़रूर ये दोबारा चालू होगा। और आखिरी तक ये वीडियो देखिएगा। अंजुमन बासिंदगानी बिहार के ज्वाइंट सेक्रेटरी अबरार अहमद शेख, संतोष यादव, प्रेजिडेंट उमर फारूक, जनरल सेक्रेटरी उमेद महमूदी, ज्वाइंट सेक्रेटरी अजहर अहमद, वाइस प्रेसिडेंट शब्बीर अजीमी, गुलाब खान और तमाम उनके कार्यकर्ता मौजूद थे इस नेक काम में। तो आइए दरभंगा समाचार की ये रिपोर्ट देखिए। मैं अंजुमन बासिंदगानी बिहार का ज्वाइंट सेक्रेटरी हूँ। हमारे जनरल सेक्रेटरी उमेद महमूदी साहब और प्रेसिडेंट उमर फारूक साहब हैं। मैं एक बात बता दूँ आपको, और पूरी टीम और संतोष भाई और उनकी पूरी टीम, मैं एक बात बता दूँ आपको कि 25 मार्च से लेकर के 15 मई तक हम लोगों ने पूरे लॉकडाउन में अपने मजदूर भाई जो परेशान थे सबों की मदद हम लोगों ने किया है। और एक बड़ी खुशी की बात है कि प्रथम संस्था से मिलकर के हमारी एनजीओ जो अंजुमन बासिंदगानी बिहार है, वो कई जगह पे कई कारखाने में ज़्यादातर का सर्वे करके जो गाँव से आए हुए हैं उनकी मदद के लिए आज हम लोगों ने मधनपुरा में 175 की राशि बांटा है। जो एरिया में आपको बता दूँ, इसमें कार्गो, सुरिंदा चाल, गगर चाल, नयानगर, कमाटीपुरा, शुक्ला डिस्ट्रिक्ट, रूबीगार और दारू खाना है, और भी बहुत सारे मुख्तलिफ जगह के लोग आज यहाँ पर आकर के राशन लेकर के गए। और भाईकल्ला में हमारे संतोष भाई हैं, तो पूरी डिटेल आपको बताएंगे। मेरा नाम संतोष यादव है, टीम के साथ में काम करता हूँ। और मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि जो जब मैंने लॉकडाउन में ट्रेन छोड़ रहा था तब भी ये संस्था हमारे को साथ दिया गया और हर ट्रेन में खाने का प्रोवाइड किया गया था। और आज जो मजदूर गांव गए थे वो रिटर्न आने के बाद भी उनको मालूम पड़ा, जो मजदूर गांव से आ चुके हैं और आ रहे हैं तकलीफ में हैं, तो इसके लिए हमारे पास एनजीओ अंजुमन बासिंदगानी बिहार को 350 किट प्रोवाइड किया, उसमें से 175 किट राशन हमने मदनपुरा एरिया में बांटा है जो आज बांटा है, और 175 की राशन हमने भाईकल्ला एरिया में बांटा है जो कल बट चुका है। तो हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं प्रथम संस्था को, जो हमारे संस्था को इतना हेल्प किए और हमारे गरीब मजदूर भाई तक हमने ये राशन प्रोवाइड किया है। बहुत बहुत धन्यवाद।